हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज मैं अपाची का रियर फेयरिंग पूरा निकालने वाला हूँ, तो आप लोगों को कैसे निकालना है पूरा मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। ये खाली अपाची कोई नहीं है, कोई भी बाइक को भी सेम प्रोसीजर है, खाली स्क्रूज के जगह थोड़ा डिफरेंस होगा। तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कैसा करना है। अगर आपके पास अपाची गाड़ी है तो अगर आपको रियर मडगार्ड निकालना है तो आप पहले रियर फेयरिंग निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको पता नहीं कैसा निकालना है तो आप ये देख सकते हैं। मैं आज मेरे अपाची का मडगार्ड निकाल के थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ। तो बने रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा करना। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा स्क्रूज निकालना है। तो पहले आपको सीट निकालना पड़ेगा। सीट निकालने के बाद आप ये दो स्क्रूज और ये दो स्क्रूज निकालना है 12 नंबर पाना के मदद से। और ये चार निकालने के बाद ये साइड का ये दो स्क्रू आपको निकालना है। और नीचे से ये एक स्क्रू, वो सर तरफ भी सेम ऐसा एक स्क्रू है, वो आपको निकालना है। तो पूरा ये पार्ट ऐसा बाहर स्लाइड होके बाहर आ जाएगा। सभी बाइक्स में सेम प्रोसीजर है, खाली स्क्रू का जगह थोड़ा डिफरेंट होगा। सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, पल्सर में भी कोई भी बाइक हो सेम ही है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दे देना, और आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और नहीं तो मेरे फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है joy_runner, और सब्सक्राइब करना नाम भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।